Dear students, today we will discuss new topic, that is human health and disease. Human health and disease chapter में हम topic की बात करेंगे, innate immunity की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? Innate immunity की बात करते हैं. So आइए देखते हैं innate immunity. इनेट इम्यूनिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक होती है. कैसी होती है? ये जेनेटिक होती है, नेचुरल होती है. और कैसी होती है? इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये जेनेटिक को शो करती है, नेचुरल को शो करती है. ठीक. सो प्रेजेंट सिंस बर्थ. जेनेटिक होगी तो कैसे प्रेजेंट होगी? प्रेजेंस सिंस बर्थ, या बर्थ से प्रेजेंट होगी. ठीक है, प्रेजेंट सेंस बर्थ. और फास्ट भी होती है. और कैसी होती है? फास्ट भी होती है. ठीक. कंपोज्ड अप किससे कंपोज्ड होती है? कंपोज्ड अप, ये जो कंपोज्ड होती है डियर स्टूडेंट्स, इसके कंपोज्ड होने का कारण क्या होता है? एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल बैरियर. ठीक है, एनाटॉमिकल बैरियर. एनाटॉमिकल बैरियर में क्या क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? इसमें स्किन आएगा. ठीक. स्किन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं. स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं इसको. स्किन आएगा, स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं इसको. एंड म्यूकोसल सरफेस आएगा. और क्या आएगा? एंड म्यूकोसल सरफेस आएगा. और क्या आएगा? एंड म्यूकोसल सरफेस आएगा. स्किन, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड म्यूकोसल सरफेस आएगा. और क्या आएगा इसमें? सीबम ऑफ स्किन इज एंटीबैक्टीरियल. सीबम ऑफ स्किन, सीबम ऑफ स्किन जो कि क्या है? सीबम ऑफ स्किन इज एंटीबैक्टीरियल. क्या है? एंटीबैक्टीरियल है सीबम ऑफ स्किन. एंटी बैक्टीरियल को शो करता है सीबम ऑफ स्किन, दैट इज एंटी बैक्टीरियल. ठीक. फिर उसके बाद इसमें क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं. एक क्या था एनाटॉमिकल बैरियर में? क्या क्या हमने देखा? स्किन, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड म्यूकोसल सरफेस, सीबम ऑफ स्किन, एंटी बैक्टीरियल. देन हम आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, में जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं उनकी बात करते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या होगा? एसिडिक पीएच इन स्टोमक ड्यू टू एचसीएल. एसिडिक पीएच इन स्टोमक ड्यू टू एचसीएल. एसिडिक पीएच इन स्टोमक ड्यू टू एचसीएल. एचसीएल के सिक्रीशन से आप कह सकते हैं एसिडिक पीएच इन स्टोमक ड्यू टू एचसीएल. ठीक. और इसमें फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल में और क्या क्या आएगा? सलाइवा टियर कंटेनिंग लाइसोजाइम. सलाइवा टीयर्स कंटेनिंग लाइसोजाइम. सलाइवा टीयर्स कंटेनिंग लाइसोजाइम्स. और क्या आएगा इसमें? इंटरफेरॉन्स आएंगे जो कि क्या करते हैं? लिमिट वायरल इन्फेक्शन. इंटरफेरॉन आएंगे इसमें. इंटरफेरॉन आएंगे लिमिट वायरल इन्फेक्शन को. लिमिट वायरल इन्फेक्शन को क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं. किसको? वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को. बाय इनहिबिटिंग वायरल प्रोटीन, जो क्या करते हैं? इनहिबिटिंग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस. सिंथेसिस को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. देन आगे क्या करेंगे? ठीक है, फीवर, बॉडी टेम्परेचर. और आगे देख लेते हैं
जो फीवर होता है जिसको बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर इसमें बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस, ये आप कह सकते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने बात किया एसिडिक पीएच इन स्टोमक ड्यू टू एससीएल, सलाइवा टीयर्स कंटेनिंग लाइसोजाइम, इंटरफेरेंस लिमिट वायरल इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, फीवर, बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज द रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करेंगे फाइगोसाइटिक बैरियर की बात करेंगे, फाइगोसाइटिक बैरियर की बात करेंगे। फाइगोसाइटिक नाम से ही पता चल रहा है, फाइगोसाइटिक सेल्स, फाइगोसाइटिक सेल्स में इसमें क्या आएंगे, जैसे आपका आएगा इसमें न्यूट्रोफिल्स, क्या आएंगे इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जिसको क्या बोलते हैं PMNL, नाम से पता चल रहा है PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं माइक्रोफेजेस की। माइक्रोफेजेस भक्षण वाली सेल्स जो होती हैं इसमें आती हैं, माइक्रोफेजेस में भक्षण वाली। फाइगोसाइटिक सेल्स का मतलब होते हैं अ सेल विच फाइगोसाइट द सेल्स। ठीक है, फाइगोसाइटिक बैरियर्स में न्यूट्रोफिल्स PMNL आएगा, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, माइक्रोफेजेस सेल्स इसमें आएंगी, और क्या आएंगी इसमें डियर स्टूडेंट्स, आएंगे नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जिसको बोलते हैं हम लोग एनके सेल्स, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनके सेल्स, जो क्या करते हैं किल वायरस, जो क्या करते हैं किल वायरस, वायरस को क्या करते हैं किल कर देते हैं, वायरस को क्या करती हैं किल कर देते हैं। ठीक है, वायरस को किल करेंगे तो इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, ठीक है ना, इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स बाय क्रिएटिंग परफोरिन, जो क्या क्रिएट करेंगे परफोरिन को क्रिएट करेंगे लाइंड पोर इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइंड पोर्स इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइंस लाइंड पोर्स इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइंस पोर्स इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो फाइगोसाइटिक बैरियर में न्यूट्रोफिल्स आएंगे, PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, माइक्रोफेजेस को शो करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स एनके सेल्स जिसको बोलते हैं किल वायरस, इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स बाय क्रिएटिंग परफोरिन लाइंड पोर इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आगे बात करते हैं, आइए हम लोग नोट की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, नोट में देखेंगे
इसमें जो डियर स्टूडेंट होता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो इसका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। किसमें आएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। किसमें आएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। देन हम बात करते हैं फाइगोसाइटिक इंफ्लामेटरी नेचुरल किल सेल, आप ऐसे देख लीजिए फाइगोसाइटिक इंफ्लामेटरी नेचुरल किल सेल, इंफ्लामेटरी नेचुरल किल सेल्स, नेचुरल किल सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। देन हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की, इंटरफेरॉन्स की बात करते हैं। इंटरफेरॉन्स में क्या आते हैं? इंटरफेरॉन्स क्या होता है? एंटीवायरल एंड डाई डिस्कवर्ड, ये क्या होते हैं? एंटी वायरल होते हैं डिस्कवर्ड, जो कि डिस्कवर्ड होते हैं बाई इसक एंड लिनबैंड, बाई इसक एंड लिनबैंड, बाई इसक एंड लिनबैंड। तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को शो करते हैं, फाइगोसाइटिक इंफ्लामेटरी नेचुरल किल सेल्स जो होते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को शो करते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं एंटीवायरल होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने किया था? बाई इसक एंड लिनबैंड ने किया था। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब लोग हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है एक्टिव होती है, कैसी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जो कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? स्पेसिफिक होती है, हैज ए लैग, हैज अ लैग पीरियड, ये किसको शो करती है? लैग पीरियड को शो करती है। अप्लीकेबल इन इम्यूनो डिफिशियंट, किसके लिए अप्लीकेबल होती है? अप्लीकेबल इन इम्यूनो डिफिशियंट, अप्लीकेबल किसके लिए होता है? अम्यूनो डिफिशियंट के लिए, होस्ट के लिए होता है, डिफिशियंट होस्ट, होस्ट जो क्या करता है? डाइवर्स्ड एंटीजेनिक स्पेसिफिक, डाइवर्स एंटीजेनिक स्पेसिफिक, डाइवर्ट एंटीजेनिक स्पेसिफिक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके डेट, आप कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटीज एक्टिव होती है, स्पेसिफिक होती है, हैज अ लैग पीरियड ऑफ टाइम को शो करती है, अप्लीकेबल इन इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट, डाइवर्स एंटीजेनिक स्पेसिफिक। ठीक, इसको हम लोग टू पार्ट में स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी हम लोग टू पार्ट में करते हैं। एक्वायर्ड आप कह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड
इम्यूनिटी एक्टिव होती है, कैसी होती है, एक्टिव होती है, क्वाड इम्यूनिटी एक्टिव होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसको टू पार्ट में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक होता है सेल मेडिएटेड, एक होता है ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, दूसरा होता है ह्यूमरल एंटी बॉडी मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड की हम बात करते हैं, सेल मेडिएटेड में क्या आएगा, टी सेल्स, टी सेल्स डेड टीज साइटोटॉक्सिक सेल्स, दैट इज साइटोटॉक्सिक सेल्स, सी टी सेल्स, टी सेल्स डेट इज साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, किल द पैथोजन कैंसरस सेल्स, ये क्या करते हैं, किल द पैथोजन, किल द पैथोजन कैंसरस सेल्स, किल द पैथोजन, पैथोजन को मार देते हैं कैंसरस सेल्स के, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। दे हम आगे बात करते हैं, टी सी सेल्स में साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, किल द पैथोजन कैंसरस सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। देन हम आगे बात करते हैं टी एच सेल्स की, किसकी बात करते हैं, दूसरा टी एच सेल्स की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हेल्पर सेल्स, क्या बोलते हैं, हेल्पर, हेल्पर सेल्स जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पर सेल्स, रेगुलेट बोथ, एक रेगुलेट करती है किसको, रेगुलेट बोथ मेडिएटेड एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, आप कह सकते हैं कि रेगुलेट बोथ किसको, रेगुलेट बोथ किसको, मेडिएटेड एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड, यानी कि मेडिएटेड एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड, ये रेगुलेट करती है किसको, रेगुलेट बोथ मेडिएटेड एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी को। तो टी एच, टी एच हेल्पर सेल्स होती हैं, रेगुलेट बोथ मेडिएटेड एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, थर्ड इसमें आता है मेमोरी सेल, की इसको आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स भी आते हैं इसमें, कौन से सेल्स आते हैं, मेमोरी टी सेल्स आते हैं, ऐसे कह सकते हैं टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स आते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड की बात करते हैं, इसमें बी लिम्फोसाइट आएगी, इसमें क्या आएगी, बी लिम्फोसाइट्स आएंगी, जो क्या करते हैं बी लिम्फोसाइट की, जो क्या करते हैं बी लिम्फोसाइट आएगी, जो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं ये स्टूडेंट प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, विच कंबाइन विथ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, आप कह सकते हैं विच कंबाइन विथ, विच कंबाइन विथ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, करस्पॉन्डिंग एंटीजन, विच कंबाइन विथ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, विच कंबाइन विथ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, प्रेजेंट ऑन माइक्रोब्स, प्रेजेंट ऑन माइक्रोब्स, जो कि कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंट ऑन माइक्रोब्स पे पाया जाएगा, ठीक है ना।
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्लूशिनेशन, ऐसे देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्लूशिनेशन, एग्लूशिनेशन, एग्लूशिनेशन एंड अपोजिशनेशन, अपोजोनाइजेशन एंड अपोजोनाइजेशन एंड अपोजोनाइजेशन, ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोमोट दियर लाइसिस, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोमोट, टू प्रोमोट दियर लाइसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है, ह्यूमरल, इसके बारे में हमने पढ़ा उधर, ठीक है ना, उसके बारे में हमने टू पार्ट में सेल मेडिएटेड ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड की बात किया, तो हम लोग सेल मेडिएटेड की बात कर चुके हैं। ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड में बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, विच कम्बाइन विद करस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट ऑन माइक्रोब्स, responsible for agglutination and opozonization, counting of bacteria to promote their lysis. So thank you, आज के इस टॉपिक में हमने innate immunity की बात किया और acquired immunity की बात किया। So thank you, बाकी बातें हम next टॉपिक पे करेंगे।